इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माही की गढ़ में माही को हराना नामुमकिन तो नहीं, हाँ पर कोलकाता के लिए मुश्किल जरूर होगा। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। चलिए तो आज के मैच के बारे में कुछ शुरुआत की जाए। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आंद्रे रसेल पिछले मैचों में लगातार सबकी बगिया उघड़ते हुए आ रहे हैं। अब उनका सामना होगा MS धोनी की टीम के साथ। तो राजन नाथ है हमारे साथ इस बारे में बात करने के। तो राजन नाथ, बताइए इस बारे में कि जब आंद्रे रसेल टकराएंगे MS धोनी की टीम के साथ, तो वो कैसा मुकाबला होगा, क्या रोमांच होगा? वो यार, रोमांच बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि जो आंद्रे रसेल हैं वो अभी तक सभी टीमों पर डोमिनेट करते हुए आए हैं और हर एक टीम के ऊपर ऐसे हावी हुए हैं जैसे उनका कोई तोड़ ही ना हो। जी, हमने देखा जैसे उन्होंने पिछले अभी जो हाल ही में मैच हुआ था बेंगलोर के खिलाफ, जिस कदर मतलब सब ये सोच रहे थे कि आज RCB खाता खोल लेगी, लेकिन आंद्रे रसेल की वो जो पारी खेली उन्होंने 48 रन 13 बॉलों में, जिसमें कि 7 छक्के उन्होंने लगाए, तो वो देखकर सभी बल्लेबाज, यहाँ तक कि विराट कोहली खुद शौक थे। उन्होंने अंत में कहा भी था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के मतलब जब उनको बुलाया गया था पोस्ट मैच प्रीव्यू के लिए, तब उन्होंने कहा था कि अगर जैसे ये बल्लेबाजी कर रहे हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज आंद्रे रसेल के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि विकेट के पीछे खड़े होंगे MS धोनी, और MS धोनी इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं क्योंकि वो हर एक गेंदबाज को बखूबी यूज़ करना जानते हैं। जी, जैसा कि MS धोनी की टीम पंजाब को हराकर अभी लौटी है और फिर अपने मैदान पर, जैसे कि चेन्नई अपने मैदान पर कोलकाता को खिलाएगी, तो ये रोमांच कैसा होगा? बिल्कुल, MS चिदम्बरम में ये मैच होने जा रहा है, इसमें रोमांच इसलिए थोड़ा सा डगमगाएगा क्योंकि जब पहला मैच हुआ था यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, जो जिससे शुरुआत हुई थी इस सीज़न की, उस मैच में बहुत कम स्कोर बना था और यहाँ तक कि बेंगलोर को कम स्कोर पे रोककर चेन्नई ने भी बहुत ही कम स्कोर बनाया था, मतलब उस स्पीड से रन नहीं बनाए थे, हालांकि मैच जीत गई थी। उसके बाद अभी जब पंजाब को खिलाया, पंजाब के खिलाफ भी चेन्नई ने सिर्फ 160 रन बनाए, लेकिन गेंदबाजी ऐसी थी कि लास्ट आखिरी के 5 ओवर्स में सिर्फ 30 रन देकर उन्होंने टीम को रोक लिया था किंग्स इलेवन पंजाब को, जबकि KL राहुल हाफ सेंचुरी मार चुके थे और सरफराज खान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद भी 2 नो बॉल लगातार आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, और देखना यही होगा कि आज आंद्रे रसेल कैसा चलेंगे, क्योंकि चेन्नई की जो पिच है वो ड्यू फैक्टर बहुत हो जाता है शाम के बाद, और उसके बाद थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर गेंद डालना। अभी हाल ही में अपना जो पंजाब के गेंदबाज हैं उन्होंने पोस्ट मैच के बाद कहा था कि ड्यू फैक्टर के कारण काफ़ी दिक्कत आती है, तो आज बड़ा रोमांच होगा। देख, मेन मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, नहीं मैं कहूँगा आंद्रे रसेल वर्सेस MS धोनी होगा। मेरे एक दो क्वेश्चंस और हैं, उनका आप जवाब दीजिए। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, जैसे कि चेन्नई ने जब पंजाब को हराया था 160 रन बनाकर, तो क्या लगता है कि आज कितना स्कोर जरूरी होगा एक टक्कर देने के लिए? बिल्कुल, 160 रन बनाए थे चेन्नई ने पंजाब के खिलाफ, लेकिन अगर उस पिच के हिसाब से देखा जाए तो 160 रन बहुत हैं, क्योंकि जब चेन्नई पंजाब को रोक सकती है वो भी 2 ताबड़तोड़ बल्लेबाज के बावजूद, तो और पिच भी काफ़ी खासा स्पिनर्स को वहाँ पे बहुत फेवर करती है, तो स्पिन की जब फिरकी घूमती है तो चेन्नई में और MS धोनी के लिए स्पिनर्स को यूज़ करना बहुत अच्छे से आता है। सामने वाली टीम में भी स्पिनर्स बहुत अच्छा है, सुनील नारायण है उनके पास और पीयूष चावला जैसा स्पिनर है, लेकिन देखना ये हुआ कि आज जो स्पिनर्स का मुकाबला होगा वो कैसा रहेगा, क्योंकि जो भी टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी वो 160-170 रन से नीचे तो सोचेगी भी नहीं। जी जरूर, तो आपके हिसाब से आज का मैच मतलब ये है कि 170 रन जरूरी है? बिल्कुल, कम से कम 170 रन चाहिए। वैसे अगर IPL की बात करें तो IPL में तो आप चाहे 200 बना दीजिए चाहे 250 बना दीजिए, वो भी बन जाते हैं। जब अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 202 बनाए थे तब भी अपना आंद्रे रसेल अकेले मैच खींच के लेकर आ गए थे और वो भी बड़े आसान से बना दिया था। तो वैसे अगर इस पिच की बात करें तो जी हाँ, 160-170 से नीचे अगर गए तो मैच आपके हाथ से निकल सकता है। अच्छा, जैसे ये तो सारी बातें हुई कि मैच, प्लेयर, टीम, इन सब के बारे में बात हुई, तो मैं पूछता हूँ आप कौन सी टीम को सपोर्ट करेंगे और आपको क्या लगता है कि आज कौन सी टीम जीतेगी? ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आंद्रे रसेल बिल्कुल मेरे फेवरेट चल रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कहेंगे इसे, और उनको कई नए नाम भी मिल रहे हैं जैसे आंद्रे द जायंट रसेल, आंद्रे रसेल द मसल, और एक ब्रॉक लेसनर के लिए कहावत यूज़ की जाती है, अनडिस्प्यूटेड अनस्टॉपेबल ब्रॉक लेसनर कहते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अनस्टॉपेबल अनडिस्प्यूटेड डेवेस्टेटिंग फॉर्म में चल रहे हमारे आंद्रे रसेल, लेकिन मैं सपोर्ट कर रहा हूँ चेन्नई को, क्योंकि विकेट के पीछे है MS धोनी, जो गेंदबाजों को यूज़ करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जी, जैसा कि आप सभी ने देखा कि क्या हमारी प्रेडिक्शंस है, क्या मैच होंगे और क्या मैच की बातें होंगी। अब तो मैच जब शुरू होगा तभी इसके बारे में हम मतलब बिल्कुल आखिरी तक पहुंच पाएंगे कि आखिर में क्या फैसला आता है। तब तक आप बने रहे हमारे चैनल इन खबर पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।